बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसीज भी ओके जो हैं फुलफिल करने का ऑप्शनल नोटिफिकेशन आया है, तो पोस्ट यहां पे बहुत अच्छे हैं। 2000 अप्रॉक्सिमेटली यहां पे SBI की तरफ से बोला गया है कि PO की पोस्ट हमें जो है फिलअप कर लेना है। तो इस वीडियो में कम्प्लीटली लास्ट डेट, एलिजिबिलिटी और फी के बारे में डिटेल करने वाले हैं, तो वीडियो को कम्प्लीटली जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे जो ये ऑप्शनल नोटिफिकेशन आया है SBI की तरफ से, तो इसका जो डेट है वो तो स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट इसको 4 दिसंबर 2020 तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बता दें तो इसका जो है जो आप एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हैं वो है 19 दिसंबर 2020, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको जो है 4 दिसंबर से पहले ही इन पोस्ट के लिए SBI के ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। इंटरेस्ट एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई एट SBI PO Posts 2020 ऑनलाइन एट SBI.co.in। तो जैसे हमने आपको बताया कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आपको अप्लाई कर लेना है जो कि SBI.co.in, ठीक है। तो लास्ट डेट आपको 4 दिसंबर 2020 तक है। तो यहाँ पे अगर आप बता दें तो टोटल 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा 3rd week of January 2020 में, और जो भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हो गए यानी प्रीलिम्स में, उनको जो है प्रिपेयर होना पड़ेगा मेंस एग्जाम में जो कि होने वाला है 29 जनवरी 2021 को, ठीक है। तो पहले जो प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है 23rd January 2021 को, और फिर मेंस में उनको जो क्वालिफाई हो गए प्रीलिम्स में, उनको मेंस में एग्जाम जो है वो देना पड़ेगा 29 जनवरी 2021 को। तो इसके जो मेंस का रिजल्ट है वो तो होगा या 3rd या 4th week of February 2021 में डिक्लेयर, ठीक है। तो जो भी इस प्रीलिम्स में मेंस में क्वालिफाई होंगे उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टोटल है आपके पास 2000 वैकेंसीज जो की PO के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो इनमें से जो है 801 वैकेंसी जो है वो तो है जनरल कैटेगरी के लिए, 540 जो है OBC के लिए, 300 है शेड्यूल कास्ट के लिए, और 200 है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, 150 है ST कैटेगरी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी फाइनल ईयर में अभी या फाइनल सेमेस्टर में अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 को जो है उनका ग्रेजुएशन जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो दोस कैंडिडेट्स जो अभी फाइनल ईयर में हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं, अगर उनका ग्रेजुएशन 31 दिसंबर 2020 को कंप्लीट होता है तो वो इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो अगर हम बात करेंगे वीक की, जो भी जनरल कैटेगरी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या OBC कैटेगरी है, उनको जो है 750 यहाँ पे पे कर लेने हैं, ठीक है। जबकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है उनको कोई भी फी यहाँ पे नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी कैटेगरी को 750 पे कर लेने हैं, जबकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कैंडिडेट्स हैं उनको कोई भी फी यहाँ पे नहीं लगने वाला। तो फर्दर जो भी अनाउंसमेंट होगी वो आप देख सकते हैं यहाँ SBI के जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि यहाँ पे हमने मेंशन भी किए हैं। आप यहाँ पे जो है जा सकते हैं और जो भी अपडेट नए आने वाले हैं SBI की तरफ से वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।